हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ सिनॉप्सिस सीरीज। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पार्ट वन अपलोड हो चुका है, उसके पीडीएफ भी अपलोड हो चुके हैं। तो जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा है पहले वो देख लो, और जिन लोगों ने देख चुके हैं वो अपने रजिस्टर और पेन लेकर रेडी हो जाओ और ऐसे नोट्स बनाओ कि जो तुमको सीईटी के दो दिन पहले बहुत ज़्यादा काम है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर टॉपिक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, अब इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, विच इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट प्रोसेसेस, सारे प्रोसेस और हीट इंजन रेफ्रिजरेटर्स के बारे में। ठीक है, सो थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होती है? अभी हम लोगों ने बात किया था इसके पहले कि हर थर्मोडायनामिक सिस्टम के वेरिएबल्स होते हैं, पी वी टी, इनको हम लोग स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं, और भी थे, है ना। हम लोगों ने लेक्चर जब एंड किया था पिछले लेक्चर में तो कहा था कि टोटल 6 स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, उसमें से ये 3 हमारे काम के बहुत ज़्यादा। ओके, इसके अलावा भी बहुत थे, है ना, टोटल 3 और थे, 6 थे, फिर हम लोगों ने उसको क्लासिफाई भी किया था। एनीवेज, जब कोई भी सिस्टम के ये वेरिएबल्स चेंज होंगे, है ना, चेंज होंगे, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जब क्या होंगे चेंज, तब हम लोग बोलेंगे कि क्या हुई है प्रोसेस, है ना। तो प्रोसेस तभी होती है जब स्टेट वेरिएबल्स चेंज होते हैं, मतलब प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, दोनों चेंज होंगे, तीनों चेंज होंगे, ऐसा कुछ भी अगर हुआ, कोई भी एक या फिर सब अगर चेंज होंगे तो हम लोग कहेंगे प्रेशर होगा, सॉरी प्रोसेस होगा, प्रोसेस होगा। अ प्रोसेस बाय विच टू और मोर स्टेट वेरिएबल्स ऑफ सिस्टम कैन चेंज इज नोन एज प्रोसेस, है ना, क्लियर सभी को, सिंपल। ओके, अब उसमें सबसे पहले हमको प्रोसेस पढ़ना है, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एज ए नेम सजेस्ट, ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसके सारे पॉइंट्स तुमको लिखने हैं। सबसे पहला चीज, एक रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा चेंज होता है जो वापस रिवर्स डायरेक्शन में आ सकता है, है ना। यानी जैसा सिस्टम पहले था, प्रोसेस हुआ, फिर वो प्रोसेस को वापस हम लोग पीछे लाकर ओरिजिनल सिस्टम बना सकते, ऐसे प्रोसेस को अपन बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। The path of reversible process is same in the forward and the reverse direction, याद रखना same होती है ना, path जो होता है ये कैसा होता है, same होता है, अलग अलग नहीं होता है। मतलब reversible process में अगर मैं PV diagram की बात करूँ यहाँ पे ऐसा, तो अगर forward process ऐसा हुआ तो reverse process भी यही path पे होगा। मतलब अगर pressure कम हो रहा है forward process में, ऐसा linearly कम हो रहा है, तो रिवर्स प्रोसेस में वो बढ़ेगा, उसी वैल्यूज पे बढ़ेगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि वो इस तरीके से जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है तो वो हटा देता हूँ। नेक्स्ट, जो रिवर्सिबल चेंज होता है वो हमेशा बहुत स्लो होता है, याद रखना, इसका कारण मैं तुमको आगे समझाऊंगा, और एनर्जी का लॉस नहीं होगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है रिवर्सिबल प्रोसेस में कि बहुत स्लो करना पड़ता है, क्योंकि अगर तुम फास्ट करोगे प्रोसेस को तो फटाफट टेम्परेचर चेंज होगा। ध्यान देना इस चीज को, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तुम ध्यान दो सिर्फ। अगर प्रोसेस तुमने फटाफट किया तो क्या हो सकता, टेम्परेचर बदलेगा, टेम्परेचर बदला तो हीट डेवलप होगी, या हीट एब्जॉर्ब होगी, या हीट रिलीज होगी, मतलब हीट अंदर बाहर जाएगी, और अगर हीट अंदर बाहर गई तो फिर वो प्रोसेस में, वो प्रोसेस कभी रिवर्सिबल नहीं हो सकती। ठीक है, अंदर की हीट अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर से अंदर नहीं आनी चाहिए, अंदर से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं जाने के लिए अपने को प्रोसेस को कैसा करना पड़ेगा, बहुत स्लो। ओके, द सिस्टम कम्स बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर इट इज टेकन अलोंग द रिवर्स पाथ। सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट पे आ जाता है, यानी इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर आइडियल प्रोसेस। दुनिया में मतलब प्रैक्टिकली ये देखने नहीं मिलता है, सारे आइडियल प्रोसेस, हो सकता है ऐसा एमसीक्यू आ जाए, है ना, इसका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। थ्योरी वाला जो एमसीक्यू आता है वो ऐसे ही आते हैं, क्लियर। तो ये सब चीजें थी रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, नोट डाउन कर लो। इररिवर्सिबल प्रोसेस, ओके, यही सारे पॉइंट्स हैं, अपोजिट वाले, ऐसा प्रोसेस जो वापस रिट्रेस नहीं हो सकता है, है ना, यानी जो सिस्टम इनिशियली था वो सिस्टम अब फाइनली नहीं रहेगा, वापस तुम भले ही वही रास्ते से पीछे आओ,
पहली बात तो वो रास्ते से पीछे नहीं आ सकते, ओके, और सिस्टम का जो पहला प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर था अब तुम वो अचीव नहीं कर सकते, ओके. द पाथ ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट द सेम इन द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स डायरेक्शन, वो सेम नहीं होता है, ठीक है. देयर इज परमानेंट लॉस ऑफ एनर्जी, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, ओके. किसके वजह से होता है ये? एक तो फ्रिक्शन के वजह से, या फिर कोई और डेसिपेटिव फोर्सेस. डेसिपेटिव फोर्सेस यानी वो फोर्सेस जो एनर्जी लॉस्ट करवाते हैं, है ना, जो एनर्जी को लॉस्ट करवाते हैं, मतलब एनर्जी घला देते हैं, एनर्जी को सिस्टम से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, समझ में आया. द चेंज ऑफ स्टेट डिपेंड्स अपॉन द पाथ टेकन टू चेंज द स्टेट ड्यूरिंग द इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी स्टेट किस तरीके से चेंज होगा, ओके, यानी फाइनली स्टेट क्या रहेगा वो डिपेंड करेगा कि तुम वो स्टेट चेंज कैसा कर रहे हो, उसका पाथ क्या है, उसका रास्ता क्या है, ओके. इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर रियल प्रोसेस, क्योंकि वो सारे आइडियल थे, ये रियल है, ठीक है. तो ये था सब इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में. थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है. हाँ, दो कारण हैं इरिवर्सिबिलिटी के. पहला क्या है, जिसमें फ्री एक्सपांशन हो रहा है या एक्सप्लोसिव केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में चली जाती है ना, यानी वो वापस अपनी जगह पे आ ही नहीं सकती, ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां से तुम सिस्टम को ला ही नहीं सकते, और जब तुम सिस्टम को वापस नहीं ला सकते हो तो वो प्रोसेस कैसे रहेंगे, इरिवर्सिबल. जैसे मेरे को एक बात बताओ, सुतरी बॉम्ब फूट गया, ओके, सभी को समझता है ना सुतरी बॉम्ब, है ना, दिवाली के टाइम पे यूज होता है. तो फूटने के बाद में जो चीजें आजू बाजू में, अगर तुम समझ लो, इमेजिन करो एक डब्बे में तुमने सुतरी बॉम्ब फोड़ा, ओके, और डब्बा स्ट्रांग है, डब्बा नहीं फूटा, तो डब्बे के अंदर जो चीजें हैं क्या तुम उनको जमा करके वापस सुतरी बॉम्ब बना सकते, नहीं. तो इसीलिए वो जो प्रोसेस है वो थी एक्सप्लोसिव केमिकल रिएक्शन, तो तुम वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते उसको. दूसरा, प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, विस्कोसिटी और सम अदर डेसिपेटिव फोर्सेस, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है. ये सबको क्या बोलते हैं अपन, डेसिपेटिव फोर्सेस, यानी जो एनर्जी को कम करता है, फ्रिक्शन एनर्जी को कम करता है, विस्कस फोर्स भी हमेशा एनर्जी को कम करता है. तो ये कारण है इरिवर्सिबिलिटी के, ठीक है. आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें टेम्परेचर कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट. टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है. प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू होता है, या फिर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, ठीक है. याद रखो, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी कितना होता है, जीरो. डेल्टा टी जीरो है इसलिए डेल्टा यू भी क्या हो जाता है, जीरो, है ना, क्योंकि डेल्टा यू का फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर में लिख के दिया था, एन सी वी डेल्टा टी, है ना. अब क्योंकि डेल्टा यू जीरो है तो क्यू की वैल्यू हो जाती है डब्ल्यू, है ना, याद रखना. यानी जितनी हीट एब्जॉर्ब, अगर हीट क्या हुई, एब्जॉर्ब, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना. और अगर हीट सपोज रिलीज्ड हुई, ये तुम एक लाइन में लिख लेना, हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, और हीट रिलीज्ड is equal to work done on the system, ठीक है, ये बातें ये सबको ध्यान में रही. अब इसके लिए जो पीवी ग्राफ रहेगा, ओके, पीवी ग्राफ, ओके, तो वो रहेगा इस तरीके से, ठीक है. याद रखो, स्लोप इसका, स्लोप आ सकता है पीवी ग्राफ का, पूछ सकते हैं, दैट इज माइनस पी बाई बी, है ना, माइनस पी बाई बी, याद रखना, ओके, क्लियर. स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ होता है माइनस पी बाई बी. तो ये हो गए सब आइसोथर्मल प्रोसेस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके. वर्क डन का फॉर्मूला आगे आएगा. एग्जांपल्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना, आइस मेल्ट हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, यानी स्टेट चेंज प्रोसेसेस,
ऑल द स्टेट चेंज प्रोसेस, इसमें भी स्टेट चेंज हो रहा है, इसमें भी स्टेट चेंज हो रहा है, यानी याद रखो दुनिया के सारे स्टेट चेंज प्रोसेसेस आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, और याद रखो आइसोथर्मल प्रोसेसेस स्लो प्रोसेस होते हैं, दुनिया के सारे एकदम स्लो प्रोसेसेस आइसोथर्मल प्रोसेस रहेंगे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर याद रखो कंडीशंस, है ना, पहला कंडीशन ये है स्लो प्रोसेस होना चाहिए, है ना, पहला तो यही है कि अगर प्रोसेस तुम करते हो स्लो, है ना, बहुत स्लो, तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस रहेंगी, क्यों, क्योंकि अगर प्रोसेस स्लो रहेगा ना तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, और हमको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। दूसरा जो वॉल्स है कंटेनर के, है ना, ये कैसे होने चाहिए, एकदम परफेक्ट कंडक्टर होने चाहिए, क्यों ऐसा, देखो सपोज ये कंटेनर है, ये उसका ढक्कन है, मतलब पिस्टन, ठीक है, अब तुमने इसको हिट दिया, अब इसने अगर हीट एब्जॉर्ब किया, क्यों, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन अब ये टेम्परेचर बढ़ा क्यों है, क्योंकि उसने हीट एब्जॉर्ब किया, अगर उसी वक्त ये जो हीट एब्जॉर्ब हुई ये बाहर निकल गई, यानी जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई सारी की सारी बाहर निकल गई, तो जो टेम्परेचर बढ़ा था वापस वो कम हो गया, यानी अपनी जगह पे आ गया, यानी टेम्परेचर कैसा रहा, कॉन्स्टेंट। अब अगर हीट बाहर आ रही है, जितनी हीट अंदर गई अगर उतनी हीट बाहर आ गई, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन ऐसा कब होगा, जब इसके वॉल्स एक अच्छे कंडक्टर रहेंगे तभी होगा ना, अच्छे कंडक्टर रहेंगे तभी तो सारी की सारी हीट बाहर आ सकेंगी, इसलिए याद रखो वॉल्स ऑफ द कंटेनर शुड बी परफेक्ट कंडक्टर, ठीक है। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक ऐसा आइसोथर्मल प्रोसेस जिसका इनिशियल प्रेशर पी वन है, इनिशियल वॉल्यूम वी वन है, वो फाइनल प्रेशर पी एफ हो गया और फाइनल वॉल्यूम वी एफ हो गया, तो इस केस में जो वर्क डन रहेगा वो रहेगा एन आर टी लॉग टू द बेस ई वी एफ अपॉन वी आई, है ना, या फिर एन आर टी लॉग टू द बेस ई पी आई अपॉन पी एफ। देखो लॉग टू द बेस ई को एल एन भी लिखते हैं, नेचुरल लॉग, ठीक है, तो तुमको एल एन दिखा यहाँ पे, तो टेंशन मत लो, सेम ही चीज़ है, ओके। एक और चीज़ दिखेगा तुमको 2.303 एन आर टी लॉग टू द बेस 10 वी एफ अपॉन वी आई 2.303 एन आर टी लॉग टू द बेस 10 पी आई अपॉन पी एफ। सो ये इक्वेशंस याद रखना आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, इक्वेशंस फॉर वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अब बारी आती है आइसोबैरिक प्रोसेस की, आइसोबैरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, है ना, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू, ठीक है। अब इसमें आइसोबैरिक प्रोसेस में कुछ भी चीज जीरो नहीं है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, है ना। अब यहाँ पे डेल्टा U की वैल्यू जो है वो एन सी वी डेल्टा T, V की वैल्यू है P dV या फिर एन आर डेल्टा T, P डेल्टा V भी लिख सकते हैं, डेल्टा D के जगह डेल्टा लिख सकते हैं, टेंशन मत लो, है ना, D के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा, ठीक है। तो Q की जो वैल्यू बनेगी यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करके वो बनेगी एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है। अब इसके अंदर ना तुमको और एक चीज पूछते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ हीट दैट
इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी, है ना। तो तुमको निकालना है क्यू डेल्टा यू बाई क्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और आंसर निकाल लेना। फ्रैक्शन ऑफ हीट दैट गोज इनटू वर्क डन, है ना, यानी वो हीट का फ्रैक्शन जिससे क्या हुआ वर्क, तो तुमको निकालना है W बाई क्यू। ओके, अब यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन वैल्यूज तो डेल्टा यू के जगह अपन एनसीवी डेल्टा टी, क्यू के जगह एनसीपी डेल्टा टी, तो ये बन जाएगा सीवी बाय सीपी, मतलब वन बाय गामा, क्योंकि सीपी बाय सीवी गामा होता है ना, ये अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ओके, और यहां पे हो जाएगा आर बाय सीपी, है ना, तो ये हो जाएगा वन माइनस सीवी बाय सीपी, दैट इज वन माइनस वन अपॉन गामा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। अब इसमें ग्राफ जो है ये ऑलरेडी अपना आइसोबैरिक प्रोसेस बोले तो कौन सा प्रोसेस होता है एक बार चेक कर लेना। मैंने शुरुआत में इसी चैप्टर के शुरुआत में गैस लॉस पढ़ा, सॉरी पिछले चैप्टर के शुरुआत में गैस लॉस पढ़ाए थे, तो कौन सा लॉ बैठता है उसके सारे ग्राफ देख लेना यहाँ पे। ठीक है, हाँ, इसके लिए मेजोरिटीली पीवी ग्राफ आ सकता है, तो पीवी ग्राफ हर प्रोसेस के लिए पीवी ग्राफ होता है, तो इसका जो पीवी ग्राफ है वो ऐसा रहता है, प्रेशर कॉन्स्टेंट। ठीक है, ओके, तो नोट डाउन कर लेना है इतना। एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस, बॉइलिंग ऑफ वाटर एट नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। ओपन कंटेनर में अगर तुम ओपन कंटेनर में पानी को गर्म कर रहे हो, है ना, एक कंटेनर है जिसमें पानी भर दिया और उसको तुम गर्म कर रहे हो, तो दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, क्लियर। वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस, वर्क डन का फॉर्मूला अभी मैंने लिख के दिया, पी डेल्टा वी दैट इज एन आर डेल्टा टी। ठीक है, ये उसके फॉर्मूले हो गए वर्क डन के। वर्क डन हर एक प्रोसेस में याद रखना चाहिए अपन ने। अब आती है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें वॉल्यूम कैसा रहता है कॉन्स्टेंट। अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया जीरो। चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, पी का फॉर्मूला क्या होता है पी डेल्टा भी, तो वर्क डन भी जीरो होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो जितनी हीट दोगे सारे के सारी में से उसकी इंटरनल एनर्जी ही बढ़ेगी, उसकी इंटरनल एनर्जी ही बढ़ेगी और बाकी कुछ नहीं बढ़ेगा उसमें। ओके, क्लियर। अब इसके लिए अपने को याद रखना है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी इसका मतलब पी वन अपॉन पी टू इज इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू। ठीक है, अब इसके लिए जो पीवी डायग्राम है वो इस तरीके से आएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो ऐसा लाइन। ठीक है, समझ में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, यहाँ पे वर्क डन जीरो होता है ना, वर्क नहीं होता है ना। इसमें एक याद रखो, जो हीट सिस्टम को दोगे उससे सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, है ना, यानी अगर सिस्टम को हीट दोगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, सिस्टम से हीट निकालोगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी। यहां पे लिख लो लगे सो तुम वो पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो यहां पे। तो ये सारी बातें आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए याद रखना है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या है, हीटिंग ऑफ गैस इन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कंटेनर, है ना, डिफ्यूजन ऑफ गैस इन क्लोज चेंबर, ये इसके एग्जाम्पल्स है, याद रखना। आ सकते ये एग्जाम्पल कौन से प्रोसेस का है, ऐसा आ सकता है, डिफ्यूजन ऑफ गैस इन क्लोज चेंबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कौन सा प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, तो ये था सारी बातें ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आती है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हीट का एक्सचेंज जीरो होता है, हीट एक्सचेंज नहीं होती, यानी सिस्टम से हीट बाहर नहीं जाती और बाहर से हीट सिस्टम में नहीं आती। ओके, अब ऐसा कब हो सकता है, कंडीशन पहला कंडीशन यह है कि अगर हम लोग
प्रोसेस को बहुत फास्ट कर दे, वेरी फास्ट, जिसको मैं सडन प्रोसेस बोलूंगा। दुनिया के सारे सडन प्रोसेसेस जो एकदम फटाफट हो रहे, है ना, यानी प्रोसेस इतनी फास्ट हुई कि जो हीट जनरेट हुई उसको बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला। एक बार प्रोसेस खत्म हो गई फिर वो हीट बाहर जाओ या मत जाओ हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन इतनी प्रोसेस फास्ट हुई कि हीट बाहर ही नहीं गई। ओके, दूसरा वॉल्स जो है कंटेनर के, वॉल्स ऑफ कंटेनर, ये परफेक्टली इंसुलेटिंग है, ये कैसे है परफेक्टली इंसुलेटिंग, ठीक है। तो ये हो गए दो कंडीशंस फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। अगर क्यू की वैल्यू जीरो है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू जीरो होना चाहिए, यानी इसका मतलब क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, है ना। तो यहां से एक चीज समझो, पहली बात वो ये कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, यानी डब्ल्यू पॉजिटिव है, माइनस इंटू पॉजिटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव इज निगेटिव, यानी इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, है ना। अब यहां पे एक चीज याद रखो, वर्क डन बाय द सिस्टम यानी हो गया ये एक्सपेंशन, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस मतलब टेम्परेचर डिक्रीजेस यानी कूलिंग। तो ये याद रखो, जब भी एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, मतलब वो कूल होगा सिस्टम, ठीक है। इसमें दूसरा चीज क्या आएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो इसमें वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी वर्क डन निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो डेल्टा यू पॉजिटिव मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी एडियाबेटिक कंप्रेशन, कंप्रेस होगी, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज कंप्रेशन, तो इसको हम लोग बोलेंगे एडियाबेटिक कंप्रेशन। और इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस मतलब टेम्परेचर इंक्रीजेस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग, यानी हीटिंग कब होगा, एडियाबेटिक कंप्रेशन में हीटिंग होगा और एडियाबेटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होगा, याद रखना ये, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें और याद रखने लायक, इसका पीवी ग्राफ, इसका पीवी ग्राफ ऐसा होता है, है ना, पीवी ग्राफ का स्लोप याद रखो, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ दैट इज इक्वल टू माइनस गैमा पी बाई वी, माइनस गैमा पी बाई वी। एंड लास्टली इसके अंदर एक बात याद रखना है, पी वी रेस टू गैमा इज कॉन्स्टेंट, तो सडन बर्स्टिंग ऑफ टायर और बलून इज एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। वर्क डन, वर्क डन के यहां पे दो फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला है एन आर टी एफ माइनस टी आई अपॉन वन माइनस गैमा, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं एन आर टी आई माइनस टी एफ अपॉन गैमा माइनस वन, टी एफ माइनस टी आई ले रहे तो वन माइनस गैमा, टी आई माइनस टी एफ ले रहे तो गैमा माइनस वन। दूसरा है पी टू सॉरी पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई अपॉन वन माइनस गैमा,
या फिर पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ अपॉन गैमा माइनस वन। तो तुम ध्यान से देखो और अच्छे से इसको भी देख के अभी याद कर लो। तो दिस इज वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। रिलेशन बिटवीन टी एंड पी, टेम्परेचर एंड प्रेशर इन एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो हमको पता है पी वी रेस टू गैमा कॉन्स्टेंट है ना, तो याद रखो पी रेस टू वन माइनस गैमा टी रेस टू गैमा इज कॉन्स्टेंट। यानी प्रेशर का पावर क्या है, वन माइनस गैमा, और टेम्परेचर का गैमा, टेम्परेचर का गैमा। गैमा यानी क्या है, एडियाबैटिक रेशियो, जो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन टी एंड वी इन एडियाबैटिक प्रोसेस। टी वी रेस टू गैमा माइनस वन इज कॉन्स्टेंट, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे। ओके 2023 के में पी वाई क्यूज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में आए थे, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ पीवी ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस है ना। देखो स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ है ना ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज गैमा टाइम्स स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो अब ना एक बात ध्यान में रखो यहां पे, पीवी ग्राफ ठीक है, ये एक पीवी ग्राफ है, ये दूसरा पीवी ग्राफ है ना। अब ये जो दोनों प्रोसेस है ना, ये एक्सपांशन की प्रोसेस है, और यहां पे मैं कॉम्प्रेशन की बात करूंगा, ठीक है। तो यहां पे याद रखो ये जो ऑरेंज ग्रीन वाले का स्लोप ज्यादा दिख रहा है, तो ग्रीन वाले का जो ग्राफ है दैट इज ग्रीन वाला इज स्लोप ज्यादा, इसलिए एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, और ये हो गया आइसोथर्मल, आइसोथर्मल एक्सपांशन, और ये हो गया एडियाबैटिक एक्सपांशन, ठीक है। अब यहां पे देखो ये प्रोसेसेस, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। अब तुम देखोगे तो इसका स्लोप ज्यादा है, ग्रीन का कम है, यहां पे ग्रीन का स्लोप कम है और ऑरेंज का स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा किसका होता है, एडियाबैटिक का। तो ये हो गया एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन और ये हो गया आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन, ठीक है। तो ध्यान से समझो, स्लोप ज्यादा वो ग्राफ एडियाबैटिक, स्लोप कम वो ग्राफ आइसोथर्मल, स्लोप कम आइसोथर्मल, स्लोप ज्यादा एडियाबैटिक, ठीक है। अब तुम्हारे लिए होमवर्क है, होमवर्क देता हूं यहां पे, ध्यान दो, यह हटा देता हूं, एक काम करता हूं यह हटा देता हूं, ठीक है। स्लोप है, ये ग्राफ है, एक एक दो तीन चार, कमेंट करके बताओ कि पहला प्रोसेस कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट पे आ जाती है, मतलब जो शुरुआत में सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है वही प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर बाद में है ना। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट, ठीक है। क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होता है, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इसलिए डेल्टा टी जीरो हो गया और ये कारण से डेल्टा यू जीरो होता है। तो इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू होता है, यानी जितना भी वर्क करोगे उससे वर्क, जितना भी हीट दोगे उससे वर्क होगा, इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, ठीक है।
सारे हीट इंजन के वर्किंग इज बेस्ड ऑन विच प्रोसेस? साइक्लिक प्रोसेस, याद रखना, ठीक है। पीवी ग्राफ ऑफ साइक्लिक कर्व है ना, ये हमेशा याद रखो, दिस इज अ क्लोज्ड कर्व। पीवी ग्राफ जो होते हैं ना, इसके क्लोज्ड कर्व होते हैं। ओके, तो क्लोज्ड कर्व ये देखो, ये भी हो सकता है, यानी ऐसा रहेगा, ऐसा, ऐसा भी रह सकता है, ठीक है ना। अब याद रख लो, इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, एरिया, शेप, सर्कल, स्क्वायर तो जनरली पूछते नहीं, बट पता होना चाहिए, रेक्टेंगल, इलिप्स पूछते, ठीक है। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का होता है साइड स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेड, पाई ए बी है ना, ये याद रखना, पाई ए बी, ये याद रख लो। तो ए यानी क्या होता है, सपोज ये इलिप्स है ना, तो ये जो दूरी होती है इसको ट्वाइस ए बोलते हैं। तो ये जो आधी दूरी रहेंगी, आधी दूरी ये ए रहेगी, ये आधी दूरी ए रहेगी, ये आधी दूरी बी, ये आधी दूरी बी, ये डिस्टेंस बी, ये डिस्टेंस बी, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, इसमें भी ना रूल याद रखो, साइक्लिक प्रोसेस में अगर एंटी क्लॉकवाइज है और साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज है, जैसे कि एग्जांपल देके बताता हूं, ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस, ये हो गई क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है ना, ये याद रखो। इसका दूसरा नाम है काउंटर क्लॉकवाइज। तो हमेशा याद रखो, काउंटर क्लॉकवाइज में वर्क डन नेगेटिव रहेगा और क्लॉकवाइज में वर्क डन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले, ऑलरेडी हम लोग फ्री एक्सपांशन पढ़ चुके हैं, अनकंट्रोल्ड एक्सपांशन है ना, और वो सडन प्रोसेसेस थे इसलिए। और अभी हम लोगों ने इस लेक्चर में पढ़ा कि सारे सडन प्रोसेस एडियाबेटिक होते हैं, तो याद रखो फ्री एक्सपेंशन हमेशा एडियाबेटिक होता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है ना, सो वर्क डन भी नहीं होगा और इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा, है ना, तो डेल्टा यू भी जीरो रहेगा। तो फ्री एक्सपेंशन के लिए क्यू डब्ल्यू जीरो, डेल्टा यू जीरो, एडियाबेटिक नहीं, वो एक एग्जाम्पल हुआ एडियाबेटिक एक्सपेंशन का, सारे एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन और डेल्टा यू जीरो नहीं होता है, ओके, सिर्फ एडियाबेटिक एक्सपेंशन का कौन सा एग्जाम्पल, फ्री एक्सपेंशन, इसमें क्यू डब्ल्यू जीरो डेल्टा यू जीरो, ठीक है। नेक्स्ट, कैन नॉट बी प्लॉटेड ऑन पीवी डायग्राम है ना। हीट इंजन, हीट इंजन ऐसा डिवाइस है जो हीट को पार्टली वर्क और मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी हीट को लेता है और उससे वर्क करता है, ठीक है। ये साइक्लिक प्रोसेस यूज करता है, इसके पहले साइक्लिक प्रोसेस में अपन ने एग्जांपल में ही देख लिया था, ठीक है। हीट इंजन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहला एलिमेंट होता है वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है इसके बाद में पढ़ूंगा, दूसरा होता है हॉट एंड कोल्ड रिजर्वर, और तीसरा होता है सिलेंडर, ठीक है। अब वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस को हम लोग सिस्टम कहते हैं, है ना, तो मैं अभी जो डायग्राम बनाऊंगा उसको अब भी कर दूंगा, सिर्फ ध्यान में दो, ऐसा एक चेंबर होता है जिसके ऊपर ये पिस्टन लगा होता है, ठीक है, यहां से हीट देंगे, ओके, तो इसके अंदर जो गैस रहेंगी या लिक्विड रहेगा उसको हम लोग वर्किंग सब्सटेंस कहेंगे, ठीक है। हाँ, जनरली ये क्या होता है, आइडियल गैस होता है आइडियल हीट इंजन के लिए, हाँ ये याद रखो, आइडियल हीट इंजन में क्या होता है वर्किंग सब्सटेंस। प्रैक्टिकल हीट इंजन के लिए क्या क्या होता है वर्किंग सब्सटेंस, ये होता है मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर एंड एयर, पेट्रोल में, डीजल में डीजल होता है, और स्टीम इंजन में स्टीम होता है,
है ना, फ्यूल वेपर एंड एयर, पेट्रोल और डीजल इंजन में। पेट्रोल का दूसरा नाम होता है गैसोलीन, तो पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन में इट इज मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर एंड एयर। स्टीम इंजन में जो स्टीम होती है वो वर्किंग सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, हॉट रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब करता है एंड वर्क करता है, है ना। हॉट रिजर्वायर से वो क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है और फिर वो वर्क करेगा, यानी हीट लेगा और उससे वर्क करेगा, ठीक है। अब आइडियली उसने सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब करके उसको पूरा वर्क में कन्वर्ट करना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वर्किंग सब्सटेंस इंटरैक्ट्स विद द रिजर्वायर्स, है ना। तो जो हॉट रिजर्वायर होता है वो क्या होता है, सोर्स ऑफ हीट। ये क्या होता है, सोर्स ऑफ हीट। इट इज रिलेटिवली एट हाइयर टेम्परेचर और वो क्या करता है, जितनी हीट चाहिए वो सारी की सारी एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे दे सकता है, हॉट रिजर्वायर। इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स, क्योंकि वो दे रहा है हीट। और कोल्ड रिजर्वायर क्या करता है, कोल्ड रिजर्वायर सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब करता है जो उसको दी जाती है। यानी वर्किंग सब्सटेंस ने क्या किया, हॉट रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब किया, काम जितना करना था किया, और फिर बची हुई हीट किसको दे दिया, कोल्ड रिजर्वायर को। अब कोल्ड रिजर्वायर को हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन कोल्ड रिजर्वायर इतना बड़ा साठा है कि तुम उसमें कितनी भी हीट डाल दो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। और हम लोग किचन में सारा जो वेस्ट है वो कहाँ डालते हैं, सिंक में डालते हैं, इसलिए ये भी जो बची कुची हीट वेस्ट हीट है वो अपन डाल रहे हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं सिंक, ठीक है। कोल्ड रिजर्वायर को क्या बोलते हैं, सोर्स, और सॉरी हॉट रिजर्वायर को सोर्स और कोल्ड रिजर्वायर को सिंक, ठीक है। सिलेंडर, जनरली द वर्किंग सब्सटेंस इज एन एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर विथ, जिसके अंदर क्या क्या होते हैं, मूविंग फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पिस्टन होते हैं, ओके। जो भी वर्क होगा वो कैसे होगा, कौन करेगा, पहली बात तो वर्किंग सब्सटेंस वर्क करेगा कैसे, जो पिस्टन है उसको डिस्प्लेस करके ऊपर या नीचे। अगर गैस ऊपर कर रही है वर्किंग सॉरी पिस्टन को ऊपर कर रही है तो दैट इज वर्क डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस, अगर पिस्टन नीचे आ रहे हैं तो दैट इज वर्क डन ऑन द वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। दिस डिस्प्लेसमेंट, ये भी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ओके, इसी से वर्क होगा, बाय यूजिंग सम अरेंजमेंट सच एज क्रैंकशाफ्ट व्हिच ट्रांसफर्स मैकेनिकल एनर्जी टू द व्हील्स ऑफ द व्हीकल। ये तुमने कैस्ट्रॉल ऑयल की एड है ना, कैस्टर ऑयल की जो भी एड है वो तुमने अगर देखी होंगी तो उसमें पिस्टन ऊपर नीचे होता है, और ये जो पिस्टन ऊपर नीचे होता है इसी से क्या होता है, वर्क होता है, इसी से चक्के घूमते हैं, इसी से चक्के घूमते और गाड़ी घूमती है। यानी पेट्रोल आया, पेट्रोल जला, वो जो पिस्टन है ऊपर नीचे हुआ, पेट्रोल जला तब पिस्टन ऊपर हुआ, फिर पिस्टन वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये जो मोशन हो रही है पिस्टन की, इससे अपन एक चीज घुमा रहे, वो चीज क्या है, चक्के, टायर्स, और फिर गाड़ी आगे बढ़ रही है। अब आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसका मैं तीसरा पार्ट भी एक अभी इसी थोड़ी देर में यहाँ पे अभी मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो अब मिलते हैं तीसरे पार्ट में, जब हम लोग इसके आगे के इंजन के सारे पार्ट या हीट इंजन रेफ्रिजरेटर के सारे कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, ओके। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय एवरीवन।